बच्चों आज की वीडियो में अपन कक्षा तीसरी विषय हिंदी पाठ चार पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र बाबू। तो इस पाठ में जो है देश के सर्वोच्च पद पर मतलब सबसे बड़े पद पर होने पर भी जो है उस आदर्श पुरुष को जो सादगी में दर्शाया गया है और वास्तव में सादगी बहुत ही लाभकारी होती है। सादा जीवन उच्च विचार हमें अपनाना चाहिए, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ को बच्चों में थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊंगी। आप के पास अगर किताब है तो आप इस पाठ को विस्तार से अपने घर पर पढ़िएगा 2-3 बार, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है राजेंद्र बाबू कौन थे और उन्होंने जो है अपनी सादगी को किस तरह से इस पाठ में बताया है। तो सुबह का समय था बच्चों और एक जगह जो है सभा होने वाली थी, लोग इकट्ठा होने वाले थे। वहां पर बड़े बड़े लोग आए हुए थे। एक नौकर जो है नल पे पानी भर रहा था, बाल्टियां भर भर के सब कमरों में पहुंचा रहा था। इतने में जो है एक व्यक्ति आते हैं और वो बोलते हैं कि अरे भाई जरा सा मुझे भी बाल्टी और लोटा दे दो, मैं भी स्नान कर लेता हूँ, मतलब नहा लेता हूँ। तो वो जो नौकर बोलता है उस व्यक्ति को कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, मुझे तो है अभी इन सब कमरों में पानी पहुंचाना है, अभी यहाँ पर सभा होने वाली है और कमरे में जो है सब बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे अभी तुम डिस्टर्ब मत करो या फिर मुझे रोको मत, मेरे को पानी पहुंचाने दो सब कमरों में। तो कहते हैं वो व्यक्ति कहते हैं कि लाओ मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। तो वो भी बाल्टियां भर भर के जो है उसके साथ साथ कमरों में पहुंचा देते हैं। फिर जो है थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति ने जो उसकी मदद करी थी, थोड़ी देर बाद वहां पर स्वयं सेवक नेताओं को शरबत बांटते हैं और वो जो गज्जन नाम का नौकर था वो भी शरबत देता है सबको। तो जो जिस व्यक्ति ने उनकी मदद करी थी वो भी वहां बैठे हुए रहते हैं, वो शरबत का गिलास उन्हें देता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, एकदम से वो हो जाता है, घबरा जाता है कि अरे ये तो ये भी बड़े नेताओं में से है जो कि मैंने इनको बाल्टी नहीं दी थी, ये वही व्यक्ति है। एकदम से घबरा जाता है और क्या करता है कि फिर उनको जो है मदन मोहन मालवीय देख लेते नौकर को कि तुम इनको नहीं जानते हो क्या, ऐसे क्यों देख रहे हो इनको आश्चर्य से, ये हमारे राजेंद्र बाबू है। तो बच्चों राजेंद्र बाबू कौन थे, हमारे देश के जो है पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही राजेंद्र बाबू थे और ये उनकी कहानी थी बच्चों। तो वो जो है सादगी के पुजारी थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू और वो उनका जीवन बड़े ही साधारण जीवन जीते थे और इस सादगी भरे जीवन में ही उनको आनंद मिलता था। वो कभी भी बड़े होने का गर्व नहीं करते थे और उस गर्जन ने फिर उनसे माफी मांगी कि मुझे आप माफ कर दो, तो लेकिन उन्होंने क्या करा उठकर उसको गले लगा लिया। तो इस पाठ से बच्चों आपको यही शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी बड़े पद पर चले जाए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और छोटे व्यक्तियों का जो हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, भले ही वो नौकर हो या कोई भी हो। तो हमें जीवन में हमेशा सादगी से ही रहना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार रखकर जीवन को जीना चाहिए। तो इस वीडियो में अपन ने पाठ चार पढ़ लिया है डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में, उनके जीवन के बारे में। अगली वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे बच्चों। आप अपना होमवर्क करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए।